in your worksheet. Now come to the next topic, that is extended family. अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी फैमिली एक्सटेंड कैसे होती है, मतलब और आगे कैसे बढ़ती है. अ बेबी इज़ बॉर्न फ्रॉम द मदर्स वूम. अ न्यू बॉर्न बेबी एड्स टू द साइज ऑफ अ फैमिली. एक जब छोटा बेबी मम्मी की गोद से पैदा होता है, मदर्स वूम, वूम्ब मतलब मम्मी की कोक, जो कोक से मम्मी के बेबी होता है ना, उसे हम वूम्ब कहते हैं. अ न्यू बॉर्न बेबी एड्स टू द साइज ऑफ अ फैमिली. एक जो न्यू बेबी होता है वो फैमिली की साइज में ऐड हो जाता है, मतलब जो फैमिली जितनी पहले रहती है उसमें एक नया बेबी आ जाता है, तो एक नया मेंबर बढ़ जाता है, उसमें ऐड हो जाता है. ही शी इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स. वो लड़का या लड़की जो भी न्यू बेबी आता है वो सारी फैमिली मेंबर्स के लिए एक जॉय का जरिया बन जाता है, मतलब उसके साथ सारे लोग खेलते हैं. कोई भी छोटा बेबी होता है तो आप लोग उसके साथ खेलते हो, किस उसके साथ सारे लोग टाइम स्पेंड करते हैं, सब लोग बहुत खुश होते हैं. अ न्यू बॉर्न बेबी शुड बी वेलकम विद ओपन आर्म्स वेदर इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल. एक जब भी एक न्यू बॉर्न बेबी, जबकि जब भी एक छोटा नया बेबी फैमिली में आता है, तो हम लोग को उसे अपने खुले दिल से वेलकम करना चाहिए, उसे अपनी फैमिली में खुशी खुशी अपनाना चाहिए, भले वो लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए कि हम लड़के को मान रहे हैं लड़की को नहीं मान रहे. जो भी बेबी हो हमें उसे प्यार से एक्सेप्ट करना चाहिए. व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न ही शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ फैमिली. जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो वो फैमिली का पार्ट बन जाता है, वो भी फैमिली का एक मेंबर बन जाता है. द इमीडिएट फैमिली ऑफ द बेबी इंक्लूड्स हिज हर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. जो उस बेबी की इमीडिएट फैमिली, मतलब उसकी जस्ट तुरंत जो फर्स्ट फैमिली होती है, वो कौन कौन होते हैं? उसके पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा और उसके सगे भाई बहन. जैसे कि आपके मम्मी पापा के ही जो दूसरे बच्चे हैं, मतलब कि आपके सगे भाई बहन, तो सिबलिंग्स. तो सबसे उस बेबी के सबसे पहले फैमिली मेम्बर्स पेरेंट्स और सिबलिंग्स होते हैं. एन एक्सटेंडेड फैमिली includes relatives from both the father's side as well as the mother's side. और जो extended family, मतलब आगे की बड़ी हुई family जो होती है, उसमें हम include करते हैं. उसमें कौन कौन आता है? father's side के बाकी के लोग और मम्मी के side के, mother's side के बाकी के लोग. जैसे कि immediate family तो हो गई मम्मी पापा और भाई बहन. अब उसके अलावा पापा के side के कौन कौन होते हैं? चाचा चाची, दादा दादी और उनके cousins. अब मम्मी के साइड के और कौन कौन लोग होते हैं? नाना नानी, मामा मामी, मौसी और बाकी सारे लोग और उनके बच्चे. तो वो मम्मी के साइड के फैमिली एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स हो गए, और पहले वाले पापा के साइड के एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर्स हो गए. तो इन्हें हम एक्सटेंडेड फैमिली में इंक्लूड करेंगे, मतलब और बड़ी हुई और आगे की फैमिली. क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इंक्लूड होते हैं तभी तो हमारी फैमिली बड़ी कहलाती है ना, उन्हीं से फैमिली हमारी एक्सटेंड करती, तो उन्हें हम एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स भी कहेंगे. सी यहाँ वूम्ब का टर्म की स्पेलिंग मीनिंग आपको भी यहाँ पर एक्सप्लेन दी हुई है. जब अभी हम कीवर्ड्स करेंगे तब इसे भी इसमें इंक्लूड करेंगे. यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है आपको साइड में. मेक अ फैमिली ट्री शोइंग द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. आपको ये भी अपनी कॉपी में करना है. इसमें आपको एक फैमिली ट्री बनाना है, ड्रॉ करना है, और उसमें अपनी फैमिली मेंबर्स के नेम्स को शो करना है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, और उन सबके नाम लिखने हैं, तो आपका फैमिली ट्री बन जाएगा. नेक्स्ट, रिलेटिव्स फ्रॉम द फादर्स साइड इंक्लूड. अब देखेंगे कि फादर के साइड के मतलब पापा के साइड के कौन कौन से रिलेटिव आते हैं हमारी फैमिली में. पैटर्नल ग्रैंडफादर, फादर्स फादर. पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब हमारे पापा के साइड वाले ग्रैंडफादर. हमारे दादा दादी, पापा के पापा मतलब हमारे दादाजी, पैटर्नल पापा के साइड के फादर, तो वो हमारे ग्रैंडफादर कहलाते हैं, दादाजी. पैटर्नल ग्रैंडमदर, फादर्स मदर, पापा की मम्मी मतलब दादी, तो वो पैटर्नल ग्रैंडमदर कहलाएंगी, हमारी दादी. नेक्स्ट इज अंकल, फादर्स फादर्स ब्रदर, पापा के जो भाई हैं वो हमारे अंकल कहलाएंगे, पापा के भाई अंकल कहलाएंगे, चाचा कहते हैं उन्हें. आंट, फादर्स सिस्टर,
पापा की जो बहन होती है, पापा की बहन होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बुआ कहते हैं, तो वो आंट कहलाएंगी, हमारी बुआ। और अगर चाचा की वाइफ है तो वो भी आंट कहलाएंगी, उनको हम चाची कहते हैं। कजन्स अंकल्स और आंट्स चिल्ड्रन, जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं उन्हें हम कजन्स कहते हैं, तो वो हमारे पापा के साइड के सारे लोग हो गए। अब देखेंगे रिलेटिव्स फ्रॉम द मदर साइड्स इंक्लूड। अब मदर के साइड, मम्मी के साइड के कौन कौन से हमारे रिलेटिव्स होते हैं, कौन कौन से हमारे बाकी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उसमें कौन कौन आता है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर्स फादर। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब मम्मी के पापा, मम्मी के पापा क्या कहलाएंगे, हमारे नाना जी कहलाएंगे। मम्मी के साइड अब जाते हैं, ननिहाल जाते हैं, तो मम्मी के फादर को क्या कहते हैं हम लोग, नाना जी कहते हैं, तो उन्हें हम मैटरनल ग्रैंडफादर, वो हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर है मम्मी साइड के। मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल कौन, ग्रैंडमदर कौन है, मम्मा मदर मदर, मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी हमारी क्या कहलाती हैं, नानी कहते हैं हम उन्हें, तो वो हमारी मैटरनल ग्रैंडमदर है, मम्मी के साइड की ग्रैंडमदर मतलब हमारी नानी जी। नेक्स्ट अंकल मदर्स ब्रदर, अंकल कौन हुए मम्मी के साइड के, मम्मी के ब्रदर, मदर्स ब्रदर, वो इनको हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं, हमारे मामा जी हो गए मदर के, मैं मम्मी के ब्रदर। आंट मदर्स सिस्टर, मदर की सिस्टर, मम्मी की जो बहन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, नानी के घर जाते हो जो मम्मी की बहन होती है उन्हें क्या कहते हैं हम, मौसी कहते हैं। आंट उन्हें हम मौसी कहते हैं, और अगर मामा की वाइफ है मामी तो उन्हें भी हम आंट कहते हैं, और अगर मामा मामी के बच्चे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कजन्स, अंकल और आंट्स चिल्ड्रन, उनके बच्चों को हम कजन्स कहते हैं। तो ये मम्मी के साइड के सारे लोग हो गए, और ये फादर के साइड के सारे लोग, इतनी बड़ी फैमिली होती है, इतने ढेर सारे लोग होते हैं, जिनकी फैमिली में इतने सारे मेम्बर्स होते हैं तो उनकी काफ़ी बिग फैमिली हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली, अब हमारी ये जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो हमारी बड़ी फैमिली है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, मतलब उनकी फैमिली में, हमारी फैमिली में उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनकी अहमियत क्या है। सी वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद द मेम्बर्स ऑफ आर एक्सटेंडेड फैमिली ड्यूरिंग वेकेशंस एंड फेस्टिव ओकेजन्स, वी शेयर आर जॉयज एंड सोरोज विद देम। हमारी फैमिली में जब बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली भी होती है, तो हम उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, हम उन मेम्बर्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। कब कब, जब हमारी फैमिली हमारे वेकेशंस पे जाती है, वेकेशन के टाइम पे, समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पे आप जब जाते हो उनके साथ घूमने बाहर जाते हो, तब हम अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। और फेस्टिव ओकेजन्स पे, जब हमारे यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, तो हम उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ इन्जॉय करते हैं, तब भी हम सब एक साथ आते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी बिग फैमिली का, हमारी एक्सटेंडेड जो अगर दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं उनका यहाँ पर रोल आता है। वी शेयर आवर जॉयज एंड सोरोज विद देम, हम अपने दुख सुख खुशी और जितने गम है वो भी उनके साथ बांटते हैं। तो हमारी फैमिली बहुत ज़रूरी है, जितने ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स होते हैं हमें उतने ज़्यादा लोग अपने साथ मिलते हैं, और हम उनके साथ और खुशियाँ बाँट सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं उनके साथ। सी यहाँ पर फैमिली वेकेशन कर दिया है, फैमिली वेकेशन पर जाती है तो हमें, हम उनके साथ इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट लेट्स डू, यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, सो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। सी दिस वन यू विल, व्हेन यू विल गेट योर बुक यू विल डू दिस इन योर बुक, देयर इज नो नीड टू डू दिस इन योर कॉपी, बट लेट्स गेट एक्सप्लेन विद दिस एक्सरसाइज। व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स सिस्टर एंड ब्रदर and your mother, sister and brother in your native language, write them in the space given below. आप अपने फादर के बहन को और उनके भाई को, मतलब पापा के भाई बहन को क्या कहते हो, और अपनी मदर के भाई बहन को, मम्मी के भाई और बहन को क्या कहते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज में, अपनी कंट्री की लैंग्वेज में उन्हें क्या कहते हो। आपको ये स्पेस है फोर लाइन्स का, फादर के, सिस्टर, ब्रदर
और मदर के सिस्टर ब्रदर, उसको आप लिखोगे यहाँ पर डैश करके, पहले आप लिखोगे फादर सिस्टर, उनको क्या कहते हैं, फादर्स ब्रदर उनको क्या कहते हो अपनी लैंग्वेज में, मदर सिस्टर को क्या कहते हो, मम्मी की बहन को क्या कहते हो, और मम्मा की, मम्मा के भाई को क्या कहते हो आप, यू हैव टू डू इट इन दिस स्पेस। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फैमिली मेम्बर्स, इन फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने, आपकी फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स होंगे उनके नाम लिखने, जैसे कि अगर आपका नाम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम अदिति है तो आपके पापा का क्या कुछ नाम होगा, फादर्स फादर, पहला क्या दिया है, पापा के पापा, पापा के पापा कौन होते हैं, दादाजी होते हैं, तो हम उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे, आपको उनका नाम लिखना है जो उनका लीगल नेम है, आपको यहाँ पर ग्रैंडफादर नहीं लिखना, आपको लिखना है उनका नाम क्या है, जैसे आपका नाम अदिति है तो उनका नाम क्या है, आपको यहाँ पर नाम लिखना, फादर्स मदर, पापा की मम्मी मतलब हमारी जो दादी हैं, दादी का रियल नेम क्या है, उनका खुद का नाम क्या है, यू हैव टू राइट हर नेम हियर, मदर्स ब्रदर मम्मी के ब्रदर, मम्मी के भाई, अगर मम्मी के भाई हैं मामा जी, उनका नाम लिखना है आपको यहाँ पर, आंट्स चिल्ड्रेन, आंट के मतलब चाची के या फिर मामी के, दोनों में से किसी के भी बच्चों के आप नाम, उनके बच्चों के यहाँ आपको अपने कजिन्स के नाम लिखने हैं, नेम लिखने हैं, मदर्स मदर मम्मी की जो मम्मी है, मम्मी की मम्मी कौन हो जाएंगी, नानी हो जाएंगी, तो यू हैव टू राइट हर नेम हियर इन द ब्लैंक। सी यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, यू विल गेट द वर्कशीट एंड दैट, इन दैट वर्कशीट दीज ऑल एक्सरसाइजेस विल बी गिवन एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन फिल आउट दैट एक्सरसाइजेस given in the worksheet, and after that we will start with the new topic, that is adoption. So till here just complete all the work in your given in the worksheet. You will get the worksheet on the website of the school, that is www.srms.co.in. aapko us website se ye sara matter mil jayega, aapko iska pdf mil jayega, worksheet mil jayegi, then you have to solve it in your copy. So just do it and we'll meet in the next video. Okay, thank you, bye bye.